भाई ओला उबर में गाड़ी चला रहे हो तो जो भी आप बुकिंग कर रहे हो ना, बढ़िया सर्विस दो और अच्छे से उनको अपने नंबर दो, या तो कार्ड, कार्ड का तो कोई रखता नहीं है, नंबर सेव करवाओ पैसेंजर के फोन में जी, आपको जब भी गाड़ी की जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट कॉल करो। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए व्लॉग में करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है भाई 23 जनवरी 2023 और टाइम हो गया 8:30 एग्जैक्ट। तो मैं भाई अभी घर से निकला हूँ, मेरा एक कल जैसे मैंने बताया था मेरी ड्यूटी है, उसका पिकअप तो है 11:45 पे एरोज होटल नेहरू पैलेस से। तो मगर मैं निकल गया हूँ भाई 8:30 ही, अभी करोलबाग जाऊंगा, गाड़ी साफ कराने के बाद ही फिर गो होम लगा के पहुंचूंगा नेहरू पैलेस। तो मगर उससे पहले भाई कल एक ड्यूटी आ गई थी रेवाड़ी की, मेरे पुराने पैसेंजर की रेवाड़ी के लिए, तो आज तो मैं तो था बिजी, तो भाई किसी दूसरे भाई को कॉल किया अमित मलिक गोहाना से, तो भाई वो पहुंचे हुए हैं लोकेशन में, पहले उनसे मिलते हैं फिर जाऊंगा भाई करोलबाग, देखते हैं फिर कोई गो होम में ड्यूटी बजेगी तो आपको करूंगा अपडेट, नहीं तो भाई खाली जाना ही पड़ेगा पिकअप पे। ये वाली जो आज पैसेंजर है भाई वो आज और कल 2 दिन के लिए है अपने पास, और अब 2 दिन इन्हीं के साथ रहना है। तो चलो भाई पहले मिलते हैं अमित भाई से, उसके बाद निकलेंगे करोलबाग। तो भाई वीडियो देखा करो लास्ट तक, बीच बीच में छोड़ दोगे तो बीच बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपके काम की हो, तो वीडियो देखना आखिर तक, और भाई वीडियो पसंद आवे तो लाइक और चैनल ने भी कर दिया करो सब्सक्राइब। तो भाई गोहाना से अमेज गाड़ी है इनके पास भाई, और आज एक छोटी सी ड्यूटी थी जो मैं बिजी था थोड़ा सा, तो भाई आसपास में था तो भाई तक कर दिया था कॉल, तो अब ये करेंगे ये ड्यूटी, और भाई बढ़िया सर्विस दियो, सवारी अपनी पुरानी सवारी है, और भाई इनका नंबर भी मैं डाल रहा हूँ, जो रोहतक गवाना खरखोदा के आसपास की कोई बुकिंग हो तो भाई ने बता सकते हो, फ़ोन डायरेक्ट कर लेना या फिर मेरे तक पूछ लेना, मैं भी कॉल कर दूंगा रोहतक से, मैं भी अपने पैसेंजर बहुत सारे हैं। चलो मिलते हैं भाई अमित है। तो भाई देखा ये थे भाई अमित मलिक गोहाना साइड से, तो भाई आज इनको एक छोटी सी ड्यूटी मैंने बताई थी उसको पिकअप करने के लिए भाई आए थे, तो मेरे रास्ते में था, मैं घर के पास में ही था, तो सोचा भाई अमित से मिलते हैं पहले, तो उनसे मिले, और उनका भाई नंबर मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको गोहाना खरखोदा के आसपास की कोई भी आपके पास बुकिंग हो सोनीपत साइड की तो भाई बता सकते हो भाई ने, और या फिर मेरे तक कॉल कर दो मैं इनको बोल दूंगा। तो भाइयों चलो अब चलते हैं करोलबाग, भाई गाड़ी हो रही है बहुत गंदी, इसको कराते हैं साफ, फिर करेंगे आगे की कार्रवाई। पिकअप में तो अभी टाइम है, टाइम अभी तो 8:50 हुए हैं, पिकअप अपना है 11:45 का, तो मिलते हैं भाई पहले करोलबाग पहुंच के। दे जल्दी 450। अरे खुले सारे मेरे तक ही देगा क्या, 10 नीचे गिर गया, 5 गिरा, 5 और, 5 और दे दे बाबू जी, किससे ले आई इतने खतरनाक, खुल ले तू कहाँ ले लूंगा मैं कोई नहीं। तो भाइयों गाड़ी तो हो गई है साफ, और पैसे दे दिए हैं भाई को जिसने गाड़ी साफ किया था, उसने खुले करा के वापस दे दिए, और भाई टाइम हो गया है 9:55, अभी 2 घंटे हैं मेरे पास, तो उससे पहले ये भाई गाड़ी के कवर पड़े हैं ये लगाने हैं, और पहुंचता हूँ पिकअप लोकेशन पे, फिर करेंगे आपको अपडेट पैसेंजर के आने के बाद, तो बने रहे भाई व्लॉग में लास्ट तक। करने के लिए टाइम 11:42 हो गए हैं, और 2 से 3 मिनट में पैसेंजर आ जाएंगे, फिर यहाँ से पास में ही जाना है सावित्री सिनेमा के पास, तो पहले तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे, टर्नी तो मेरे पास है मगर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगा, तो भाई ठीक रहेगा। तो चलो वेट कर रहा हूँ अभी, तो जैसे ही पैसेंजर आएंगे तो भाई लेके निकलेंगे उनको। गुड मॉर्निंग, यस यस, हाउ आर यू, अनएक्सेप्टेड, आई नो, I'm fine. And you, ma'am? Very good, very good. How is your family? Very well. How is your family? Yes, absolutely fine. Are you having a good new year? Yes, very good. How is everything for you? Everything is fine, ma'am. And good, very good. Yes. Get this ready. I'm happy.
happy you were free. Yeah. So we can drive together. You are a great driver. You remember me? Of course. Thanks for that. Want some message for you in yes. Christmas? Yes, I responded. Yes, that was very, very sweet of you. When you come, man? I came on Sunday. Okay. No. I came on Saturday night. Okay. And yesterday I had an event all day. Okay. And how is your daughter? Oh, absolutely fine, ma'am. They say they're preparing for exam. What grade is she? In first week February start. Okay. Exam start. Wow. Good luck. Thank you. She will do great. Yes. Have you put location where it will come, where we go? One second, let me look in the WhatsApp. I see. This meeting is will take long time. Probably 3 hours. But I'm not sure. I will text you. Okay. Okay. I'm waiting. Any other place? You any call? I'm here. I'll call you. Okay. Yes. Okay. Welcome. तो भाई टाइम हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं और ड्यूटी अपनी स्टार्ट हुई थी 12:45 बजे से। अभी 4 घंटे और बाकी हैं, 7 बजे एंड होगा। तो भाई सावित्री सिनेमा में था एक तो इनकी मीटिंग, और उसके बाद फिर लंच करने चले गए थे, और भाई सेकंड मीटिंग के लिए आए हैं लाजपत नगर। तो अभी लाजपत नगर में इनकी सेकंड मीटिंग है, और थर्ड मीटिंग है भाई नोएडा में बोटैनिकल गार्डन के पास। तो भाई अभी यहाँ 1 घंटा लगेगा शायद, 4:30 या 5:45 बजे के आसपास आएंगे बाहर। इनके आने के बाद फिर चलेंगे भाई नोएडा, और करता रहूँगा बीच में ऐसे ही आपको अपडेट। तो भाई दिल्ली मास ट्रैफिक अब बड़ा ही ख़तरनाक, बहुत बुरा हाल है। आज रिपब्लिक डे का फुल ड्रेस रिहर्सल है, इस वजह से चारों तरफ दिल्ली पुलिस छावनी बनी पड़ी है। हर जगह बैरिकेड लगे हुए हैं पुलिस वालों के, और इंडिया गेट की तरफ का तो भाई पूरा रास्ता ही बंद है। तो भाई देखो अब क्या करें, ट्रैफिक है तो झेलना तो पड़ेगा ही। तो भाई चलो मिलते हैं अभी यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे वहाँ पहुँचने के बाद। भाई घूमते घूमते पहुँच गए हैं नोएडा, सेक्टर 29 नियर बोटैनिकल गार्डन, ये लास्ट है अपना। और इसके बाद भाई सीधे घर यार, तो ट्रैफिक ने बहुत बुरा हाल कर रखा है भाई। 15-15 मिनट के रास्ते में 50-50 मिनट लग रहे हैं। तो चलो भाई अभी अपना लास्ट है, इसके बाद मैं प्लेस होटल छोड़ूंगा। और टाइम भाई हो गया है करीब 6:05, तो अभी कुछ चाय पानी पीते हैं भाई, और उसके बाद करते हैं वेट पैसेंजर कब आएंगे मीटिंग ख़त्म करके, और फिर उनको वापसी छोड़ेंगे। तो भाई एंड हो गया अपनी ड्यूटी का, 8 घंटे 80 किलोमीटर जो कि सुबह 12 बजे से स्टार्ट हुई थी, और 7:30 बजे यहाँ भी ख़त्म हो गई है। मैं ड्रॉप करके बस निकला ही हूँ होटल से। तो आज की ड्यूटी में भाई 4 जगह गए थे, तो और इस 4 जगह जाने में टोटल गाड़ी मेरी चली है 50 किलोमीटर सिर्फ। तो इस ड्यूटी का तो भाई हो गया है एंड, और भाई आज तो ट्रैफिक ने कभी ने जी काट दिया भाई, 50 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली है और सारा दिन ख़त्म हो गया है। तो भाई अब करता हूँ घर जाने की तैयारी, और भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार आज तो। यहाँ से भी अभी मेरे घर का 1 घंटा 10 मिनट शो कर रहा है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। चलो कोई नहीं भाई, घर तो जाना ही है, मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। और भाई खर्चे की तो क्या बात करनी है आज की, 50 किलोमीटर में क्या ही गाड़ी में खर्चा होया होगा क्या बताना। फिर भी 200-250 रुपये की CNG लगी होगी, और क्योंकि अभी घर भी जाना है भाई, यहाँ से 20 किलोमीटर मेरा घर है, तो टोटल 70 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल जाएगी, और 300 रुपये के आसपास की गैस खर्च होगी। तो नोएडा गए थे तो 180 रुपये का स्टेट टैक्स, और वापसी दिल्ली में एंट्री हुई तो भाई 100 रुपये का टैक्स, और 180 रुपये की लगी थी पार्किंग, वो तो सब पैसेंजर ने ही देना था। तो खर्चा तो सिर्फ आज भाई 300 रुपये का मान के चलो। और कल की ड्यूटी भी भाई इन्हीं के साथ है अपनी, और कल इनको एक बार नोएडा जाना है, एक लोकल दिल्ली में शायद कोई मीटिंग है, और फिर 3 बजे तक एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना है। तो कल की तो सिर्फ इतनी ही ड्यूटी है, फिर भी 8 घंटे का तो टाइम चार्ज होता ही है।
भाई आज तक ट्रैफिक ने दम निकाल दिया भाई, बहुत बहुत बुरा हाल था यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कभी खुला कभी हैवी ट्रैफिक ही है तो अपनी लाइफ में चलता ही आ रहा है। पिछले 23 साल से ट्रैफिक से तो दो हाथ होना ही पड़ता है हर रोज। तो भाई जो नए ड्राइवर जो भी भाई भाई इस लाइन में आना चाहते हैं तो बेफिक्र आओ, कोई दिक्कत नहीं है, काम ठीक ठाक है भाई। एक बात कन्फर्म है, कहीं नौकरी करने से तो अच्छा है अपनी गाड़ी लेके चलाओ और दो पैसे अच्छे कमाओ। और नई गाड़ी लेने के लिए, ओला उबर में लगाने के लिए या और किसी कंपनी में लगाने के लिए भाई अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो बेफिक्र मेरा जो नंबर स्क्रीन पर रहता है इस पर कॉल कर सकते हो और कभी भी कॉल कर सकते हो सके। उस टाइम गाड़ी चला रहे हो भाई, फ़ोन ना उठा पाए, मगर जैसे ही फ्री होंगे तुरंत आपको कॉल किया जाएगा। तो भाई चलो आज के ब्लॉग का करता हूँ एंड। और भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही करना है और चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मिलते हैं कल इसी सवारी के साथ दोबारा से, और कहाँ कहाँ कल जाएंगे करूँगा आपको कल के वीडियो में अपडेट। और मिलते हैं आपसे भाई। ओला उबर में गाड़ी चला रहे हो तो जो भी आप बुकिंग कर रहे हो ना, बढ़िया सर्विस दो और अच्छे से उनको अपने नंबर दो, या तो कार्ड का तो कोई रखता नहीं है, नंबर सेव करवाओ पैसेंजर के फ़ोन में जी, आपको जब भी गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट कॉल करो। तो इसी तरीके से भाई पैसेंजर बने हैं और इसी तरीके से बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो कितने लोगों से जान पहचान होगी। ओला उबर से जो पैसेंजर आते हैं, जहाँ तक कोशिश हो उनको भाई अपने पैसेंजर बनाओ और अपना लॉन्ग लाइफ के लिए काम रेडी रखो। तो भाई चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में इसी सवारी के साथ और करेंगे बात कल कहाँ कहाँ जाएंगे। तो भाई चलो मिलते हैं कल।